नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऋजुदेव के और एक नए वीडियो में। आज एक मैं नए डीलर में आया हूँ जिसका नाम है मून मोटर्स। आप देख सकते हैं ऊपर में उनका बोर्ड है और यहाँ पर जितने सारी गाड़ियाँ हैं सबके डिटेल्स मैं आज आपको एक एक करके दूंगा और गाड़ी के पेंट के बारे में, उसके इंटीरियर पूरा डिटेल्स मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। हमारे सामने जो भी है i20 ऑडी से लेकर सबके डिटेल्स मैं आपको आज दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना। ये देख सकते हैं आप मेरे सामने जितने सारे गाड़ियाँ हैं सबके डिटेल्स आपको एक एक करके मिलेगा और कैसे इनसे खरीद सकते हैं पूरा डिटेल्स मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। एक ऑडी है, अगर ये ज़िंदगी में आ जाए तो बात ही कुछ और है। इसका जो टशन है वो लोग एक बार ज़रूर देखेंगे, वो भी नौगांव में आसाम के अंदर आपको फाइनेंस में मिल सकता है। तो मैं इसका एक बार डिटेल्स इनसे ले लेता हूँ। ये गाड़ी है आपका 2013 का मॉडल है, ऑडी A4 2.0 TDI का मॉडल। एक बार हम इंटीरियर दिखा देते हैं। जी सर प्लीज आ जाइए। हाँ, ये आपका गाड़ी चला हुआ है 71,000 किलोमीटर चला हुआ है, इसका सर्विस रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे पास में। और गाड़ी आपका कम्प्लीटली ओरिजिनल पेंट में ही है। इसका आपका आस्किंग प्राइस जो हमारा है ये 12,50,000 रुपये का है। इसका आस्किंग प्राइस जो ऑन टेबल आपका नेगोशिएबल प्राइजेस है। अच्छा, ये फिक्स प्राइस नहीं है? फिक्स नहीं है ये। और इस पे फाइनेंस हो जाएगा? हाँ जी, फाइनेंस फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग के पास से आपका महिंद्रा का मतलब मान लीजिए कोई कितना देना पड़ेगा इसमें अप्रोक्स डाउन पेमेंट? 35% तक देने से हो जाएगा, मतलब 4.5 लाख तक भी, अगर 4 से 5 के बीच में इसका डाउन पेमेंट हो जाएगा। डाउन पेमेंट ये गाड़ी को लेके जा सकते हैं वो डाउन पेमेंट करके। ओके, और इस पे एयरबैग ABS सब कुछ? हाँ, इसमें आपका 4 एयरबैग है और इसमें ABS भी अवेलेबल है। गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, सनरूफ है और कम्प्लीटली फंक्शन जो है सब वर्किंग कंडीशन में है गाड़ी। और मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि इसकी जो सीट्स है उसको एक बार दिखाए, वो ऑटोमेटिक सीट्स मिलेंगे आपको विथ मेमोरी फंक्शन। आप मेमोरी फंक्शन भी है और ये आपका कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन है, ये आपका कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक है और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। और इसमें जो साउंड सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आता है। हाँ, ये आपका ऑडी का ओरिजिनल साउंड सिस्टम इसमें लगा हुआ है और इसमें आपका आईपॉड कनेक्टिविटी वो सिस्टम है। इसमें एक i20 एक्टिव है। एक्टिव का मैं एक बार डिटेल्स लेता हूँ। ये आपका 2016 का मॉडल है, इसके आपका 53,000 रनिंग है गाड़ी, कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड अवेलेबल है और ये आपका एक्टिव SX है, टॉप मॉडल जो टॉप वेरिएंट आता है एक्टिव का, वो टॉप वाला वेरिएंट है और इसका हम लोग प्राइस आस्किंग प्राइस है इसका आपका 525,000 रुपये इसका आस्किंग, जो ऑन टेबल आपका नेगोशिएबल प्राइस है। और इसमें आपका ABS एयरबैग सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, पावर विंडो भी है, 4 पावर विंडो है। अच्छा, और इसका जो फाइनेंस में इसमें हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, यहाँ पे आपका जितना भी गाड़ियाँ हैं सभी गाड़ियों में आपका फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, और पेंट का क्या स्थिति है? पेंट तो ये सब ओरिजिनल पेंट पे ही है, आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई स्क्रैच नहीं है और गाड़ी पूरा ओरिजिनल पेंट पे है। ओके जी, और एक बार आप ये बोनेट खोल के आपको दिखाता हूँ इंजन का कंडीशन क्या है गाड़ी का। आप एक बार गाड़ी का इंजन का कंडीशन आप देखिए, गाड़ी एकदम नया जैसा है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और गाड़ी एकदम साफ सुथरा आप देख सकते हैं। मैं इसको एक बार आपको स्टार्ट करके मैं इसको दिखाता हूँ आपको, अब इंजन का साउंड भी सुन सकते हैं, आप सुन लीजिए एक बार। अभी डिजायर एक बार देख लेते हैं इसका डिटेल्स नोएडा से, जो इंडिया का मोस्ट सेलिंग कार है, इसका पूरा डिटेल्स थोड़ा हमें बता दीजिए। आप तो जानते हैं कि इंडिया का सबसे मोस्ट सेलिंग कार है, इसका माइलेज भी बहुत अच्छा होता है और गाड़ी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है। ये हमारे पास है नया मॉडल डिजायर है, 2019 का मॉडल है, ये 2019 का मॉडल है और ये आपका जो इसका रनिंग है 35,000 किलोमीटर ये अभी तक चल चुकी है, सर्विस रिकॉर्ड अवेलेबल है इसका भी। ओके, मतलब कंपनी में इसका पूरा डिटेल्स? हाँ, कंपनी में पूरा डिटेल्स है और ये आपका गुवाहाटी का रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का और इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स इसका प्राइस आएगा आपका 5,25,000 रुपये आएगा इसका प्राइस, जो ऑन टेबल नेगोशिएबल है। ये पेट्रोल है या डीजल? ये आपका डीजल का वेरियंट है। एक बार मैं आपको इंजन बोनेट खोल कर दिखाना चाहूँगा। ये आपका इंजन जो पहले डीजल में आता था उससे कम्प्लीट अलग है ये इंजन और इसका माइलेज भी आपको अच्छा निकल के आता है, 20+ इसका माइलेज एवरेज ये देती है। और इसका पेंट थोड़ा? पेंट क्वालिटी तो ये ओरिजिनल है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबका पेंट क्वालिटी आपका ओरिजिनल ही मिलेगा आपको, मैं कोई छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है, सब ओरिजिनल है।
ओके, अगर कोई वीडियो देख के आएगा उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप कर दीजिए। जी सर, वो आपके चैनल की तरफ से अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा उसके लिए डिस्काउंट कर देंगे। अगर मान लीजिए डील क्लोज भी हो गया उसके बाद बोलेगा कि हम चैनल से देख के आए, तब उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर दीजिए, तब उनको पता चलेगा कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है बोल के। चलिए एक बार बेलेनो का डिटेल्स ले लेता हूँ मैं। ये कौन पूरा सर? ये आपका 2016 का ये मॉडल है, 75,000 इसका चल चुका है ये गाड़ी। और ये आपका टॉप वेरिएंट है, जेटा में है ये गाड़ी, डीजल वेरिएंट है। और इसका आपका पुश बटन स्टार्ट भी अवेलेबल है, एकदम टॉप वेरिएंट है। इसमें आपको एयरबैग मिलेगा, ABS, बाकी सारी सुविधाएं हैं। और इसका भी आपका सर्विस एकट अवेलेबल है हमारे पास में। और पेंट, पेंट क्वालिटी भी ओरिजिनल है जैसे कि आप देख सकते हैं। एक बार दिखा दीजिए व्यूअर्स को, ये पेंट क्वालिटी भी आपका ओरिजिनल है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है इसमें, कंप्लीट ओरिजिनल पेंट में है गाड़ी। ओके, इसमें ABS एयरबैग, ABS एयरबैग सब है। और आपका चार पावर विंडो है। ओके, पुश बटन स्टार्ट है। इंजन एक बार दिखा देने के लिए मैं आपको बोलूंगा। जी, थोड़ा जैसे कि आप देख सकते हैं इंजन का कंडीशन कैसा है। ये सुजुकी का इंजन है, 75,000 डीजल में है। ये DDIS का इंजन है, सुजुकी का है, 75,000 चला हुआ है गाड़ी। और अभी आप इंजन का कंडीशन देख सकते हैं, कंप्लीट सील इंजन है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। जो एक बहुत पॉपुलर गाड़ी है इको स्पोर्ट, उसका मैं डिटेल्स एक बार ले लेता हूँ नंदा से। ये आपका 2015 का मॉडल है, इसका आपका 85,000 किलोमीटर अब तक चल चुकी है गाड़ी। टाइटेनियम मॉडल है, टॉप वेरिएंट। इसमें आपको ABS एयरबैग और आपका पावर विंडोज, ये सब फैसिलिटीज है। ये पेट्रोल में या डीजल में? ये आपका डीजल में है। अच्छा, और इस पर तो फाइनेंस, फाइनेंस हो जाएगा? जी, फाइनेंस फैसिलिटीज अवेलेबल है, फाइनेंस हो जाएगा। और जो किलोमीटर आपने बताया है उसका सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा कंपनी में? हाँ, अगर कोई चेक करना चाहता है, अगर कोई चेक करना चाहे तो उसका सर्विस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। 85,000 किलोमीटर चल चुकी है और कम्प्लीटली जेन्युइन है। पेंट का स्थिति बता दीजिए। पेंट क्वालिटी भी कम्प्लीटली ओरिजिनल ही है, कोई टच पेंट या कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल है। ठीक है, तो इसका इंजन एक बार आप दिखा दीजिए लोगों को। माइलेज भी अच्छा निकल के देता है, तकरीबन 18-20 का माइलेज आपको इसमें मिल जाएगा, डीजल का है। और ये आपका डीजल में है ना? डीजल में है जी। ठीक है सर, नंदा अभी ये i20 का डिटेल्स थोड़ा दे दीजिए। जी सर, ये आपका 2012 का मॉडल है, i20 स्पोर्ट्स है। इसमें आपका ABS एयरबैग ये सब भी है। गाड़ी आपका 53,000 चल चुकी है अब तक। और इसका हम लोग प्राइस डिमांड कर रहे हैं 2,07,000 रुपये। ये इसका किलोमीटर कितना है? किलोमीटर आपका 53,000 है। और इस पे एक्सीडेंटल? एक्सीडेंटल ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी कम्प्लीटली ओरिजिनल शेप में ही है। और इसमें एक्सीडेंटल कुछ ऐसा है नहीं। और हमारे यहाँ पे आपका जितने भी गाड़ियाँ हैं हम लोग एक्सीडेंटल गाड़ी के में डील नहीं करते हैं। जब भी हम लोग गाड़ी लेते हैं तो बहुत उसके बारे में डिटेल्स निकाल के उसके बाद ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमें कस्टमर को भी गाड़ी डिलीवर करना होता है। ओके, तो बाद में अगर कोई प्रॉब्लम कस्टमर को कोई फेस नहीं करना पड़े, इसलिए हम लोग ऐसा गाड़ी लेते नहीं है। कम्प्लीट फ्रेश गाड़ियाँ हैं सब, यहाँ पे जितना भी गाड़ियाँ हैं कम्प्लीटली फ्रेश है। पेंट और डेंट दो है जो है उसका एक बार अगर आप बता दें। इसमें आपका पेंट का कोई ऐसा इशू नहीं है, कम्प्लीटली ओरिजिनल पेंट में ही है। बम्पर में आपका थोड़ा टच पेंट हुआ है इसमें, ज्यादा बहुत छोटा मोटे तो छोटा मोटा स्क्रेच लग जाता है ना, तो उसके लिए थोड़ा बहुत टच पेंट करना पड़ता है। ऐसा बाकी बॉडी कम्प्लीटली ओरिजिनल पेंट में ही है। ठीक है, इंजन एक बार इसका अगर आप दिखा देते। जी सर, ये आप देख सकते हैं इंजन का कंडीशन, आप देख सकते हैं कम्प्लीटली सील इंजन है। ये आपका डीजल में वेरिएंट है, इसका भी आपका माइलेज अच्छा निकल के आता है, तकरीबन 20 के आसपास इसका एवरेज निकल जाता है। चलिए, और इस पे फाइनेंस होगा? फाइनेंस हो जाएगा सर। ठीक है जी। नंदा अभी थोड़ा ये होंडा जेस का डिटेल्स हमें दे दीजिए। जी सर, ये गाड़ी आपका गुवाहाटी रजिस्टर्ड है। गाड़ी आपका 2016 का मॉडल है ये, और ये आपका 58,000 अभी तक चल चुका है, टॉप मॉडल गाड़ी है। इसमें आपका ABS एयरबैग, बाकी पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। और इसके जो टच स्क्रीन है वो कंप्लीट टच है ना? हाँ, इसका जो स्क्रीन यहाँ पे लगा हुआ है, जो आपका सब कम्प्लीटली AC पैनल जो है, और बाकी आपका जो म्यूजिक सिस्टम है वो कम्प्लीटली टच स्क्रीन है। और इसमें आपका रिवर्स कैमरा जो कंपनी से और फिटेड आता है, सब कंपनी फिटेड ही है। और गाड़ी का आप इंटीरियर देख सकते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन है। और डिमांड इसका तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं आपका 4,90,000 रुपये। ठीक है, और ये पेट्रोल में है या डीजल में है? ये पेट्रोल में है सर। और ये जो किलोमीटर आपने बताया इसका सर्विस रिकॉर्ड? सर्विस रिकॉर्ड अवेलेबल है, ये किलोमीटर जेन्युइन है।
सर्विस एक और इसका अवेलेबल है, कोई कंपनी में अगर चेक करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। ठीक है, एक बार इंजन आप दिखा देंगे तो ठीक रहेगा। जी, जैसा कि आप इंजन का कंडीशन देख सकते हैं, ये पेट्रोल में है और इंजन एकदम नीट एंड क्लीन है, कंप्लीट सील इंजन है। ये सब ये आपका बैटरी जो आप देख रहे हैं ये भी आपका कंपनी से ही है, कम्प्लीटली सील इंजन है, कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं हुआ है। और आपका पेंट क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि पेंट भी कम्प्लीटली जेन्युइन है, इसमें कोई आपका टच पेंट नहीं है, कम्प्लीटली ओरिजिनल पेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गाड़ी को एक बार देख लेते हैं जी। अभी मुझे ये ईयोन का थोड़ा सा डिटेल्स दे दीजिए क्योंकि काफ़ी डिमांड में ये भी रहता है। जी, छोटा गाड़ी के हिसाब से ये बहुत अच्छा ही गाड़ी है सिटी में चलाने के लिए। ये गाड़ी का माइलेज भी अच्छा निकल के आता है, आपका 20 प्लस निकल के आ जाता है। 3 सिलेंडर का इसका इंजन है और ये गाड़ी आपका 2012 का मॉडल है। ये आपका इरा है, जो आपका लो वेरियंट में जो मॉडल आता है वो मॉडल है ये। इसमें आपका पावर विंडोज नहीं आता है और ये पावर स्टीयरिंग एसी इसमें है, म्यूजिक सिस्टम इसमें लगा हुआ है और ये गाड़ी आपका 63,000 चल चुका है अब तक। और इसका हम लोग अभी डिमांड कर रहे हैं 1,80,000 रुपये इसका डिमांड है। ठीक है, मैं एक बार बता दूँ, अगर कोई भी ये लोग फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते, आप समझ सकते हैं यहाँ पर फिजिकल भी कस्टमर होते हैं, तो इनका जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उस एड्रेस पर आके इनसे बात करके बाकी का डील फाइनल कर सकते हैं। अभी चलिए नेक्स्ट गाड़ी को एक बार देख लेते हैं। नयन जी, आप मुझे ये डस्टन गो का एक बार डिटेल्स दे दीजिए। जी सर, ये आपका गुवाहाटी रजिस्टर्ड है, ये गाड़ी आपका 2016 का मॉडल है। 63,000 किलोमीटर अब तक ये गाड़ी चल चुकी है, पेट्रोल में है ये गाड़ी। और ये आपका डस्टन गो टी का मॉडल है, इसमें फ्रंट का आपका दो पावर विंडोज आता है और पीछे में आपका पावर विंडोज नहीं आता है। म्यूजिक सिस्टम, एसी, पावर स्टीयरिंग सब अवेलेबल है इसमें। और इस गाड़ी का हम लोग का आस्किंग प्राइस है 3,25,000 रुपये इसका हम लोग आस्किंग कर रहे हैं, जो ऑन टेबल आपका नेगोशिएबल है। ओके, और इस पे फाइनेंस हो जाएगा मतलब 2012 के बाद का किसी भी गाड़ी पे फाइनेंस हो जाएगा सर, सब गाड़ी में फाइनेंस अवेलेबल होता है। और इसका जो पेंट और किलोमीटर क्वालिटी आप देख सकते हैं, पेंट क्वालिटी ओरिजिनल है, आप एक बार दिखा दीजिए व्यूअर्स को, पेंट क्वालिटी एकदम जेन्युइन है और इसका जो किलोमीटर है सर्विस रिकॉर्ड अवेलेबल है, मतलब कंपनी में जाके चेक करवा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप लोग चाहे तो इनका जो गाड़ी है, इसका जो डक्सन कंपनी है उस पे जाके इसका जो सर्विस डिटेल्स है वो ले सकते हैं, ताकि पता चल जाए कि जो किलोमीटर है वो जेन्युइन कार है जो हमारे सामने डिजायर, इसका बहुत डिमांड है। हाँ, इसका इसका आप थोड़ा डिटेल्स दे दीजिए। ये आपका डिजायर है, डीजल में अवेलेबल है, ये VDI का मॉडल है, 2016 में ये अवेलेबल है, अभी 2016 का मॉडल है। इसका रनिंग आपका 45,000 किलोमीटर अब तक ये चल चुकी है गाड़ी और कम्प्लीटली जेन्युइन है, सर्विस रिकॉर्ड अवेलेबल है और इसका हम लोग का आस्किंग प्राइस है आपका 4,50,000 रुपये, जो ऑन टेबल आपका नेगोशिएबल प्राइस है। ओके, और इस पे पेंट का एक बार अगर आप बता दें। कोई इशू नहीं है, पेंट कम्प्लीटली जेन्युइन है। इसका बम्पर में थोड़ा आपका पीछे वाले बम्पर में थोड़ा आपका टच पेंट हुआ था, वो बम्पर में स्केच पड़ गया था इसलिए थोड़ा पेंट करना पड़ा, बाकी वो तो रास्ते में चलते चलते पड़ सकता है। ट्रैफिक इतना होता है कि कभी कभार गाड़ी में लग जाता है तो उसके लिए वो करवाना पड़ता है, बाकी कम्प्लीटली जेन्युइन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट गाड़ी को एक बार देखते हैं। नंदा, मुझे आप ये होंडा MS का एक बार डिटेल्स दे दीजिए। जी सर, ये आपका 2016 का मॉडल है, पेट्रोल में है ये गाड़ी और इसमें आपका पावर विंडोज है, टच स्क्रीन आपका म्यूजिक सिस्टम है। ये आपका 31,000 अब तक चल चुकी है गाड़ी और गाड़ी का आप सर्विस रिकॉर्ड भी चेक करवा सकते हैं, कम्प्लीटली जेन्युइन है। मतलब 31,000 जो चला है वो अगर चाहे तो कंपनी से डिटेल निकाल सकता है, डिटेल्स निकाल सकता है जी, उसका सर्विस रिकॉर्ड निकाल सकता है कंपनी से। और इसका हम लोग का डिमांड कर रहे हैं कि 4,10,000 रुपये इसका अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं। ओके, गाड़ी का ये पेट्रोल में है या डीजल में? पेट्रोल में है, पेट्रोल में है। कौन से ईयर का मॉडल बोला? ये 2016 का मॉडल है। ठीक है, हाँ, 31,000 चल चुका है गाड़ी। ओके, लेस ड्रिवन है मतलब? जी, लेस ड्रिवन है। अच्छा, और ये पेंट पूरा जेन्युइन है? हाँ हाँ, पेंट पूरा जेन्युइन है। हाँ, फिलहाल की गाड़ी अब तक हमारे शोरूम में अभी रेडी नहीं हुआ है, ये कम्प्लीटली ओरिजिनल में है, इसका पूरा आपका ये टेफ्लॉन कोटिंग होगा। और आप एक बार दिखा देते अगर लोगों को कि आप गाड़ी डिलीवरी करने से पहले टेफ्लॉन वो वगैरह कैसे करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये गाड़ी को अभी ये रेडी हो रहा है, टेफ्लॉन कोटिंग हो रहा है, इसका इंटीरियर भी पूरा क्लीन होगा और ऐसे टेफ्लॉन कोटिंग होगा, उसके बाद में ये गाड़ी कस्टमर को डिलीवर होगा। मतलब जो भी गाड़ी आपसे खरीदेंगे उनको आप टेफ्लॉन कोटिंग करके ही देंगे? टेफ्लॉन कोटिंग करके, बाकी अगर अंदर में कुछ सीट कवर या फिर कुछ मैटिंग का कुछ प्रॉब्लम है वो सब नया लगा के हम लोग ऐसे गाड़ी को डिलीवर करते हैं। अच्छा, तो कस्टमर को मतलब फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा? सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गाड़ी एक देख लेते हैं। नयनदा, मुझे आप ये TUV का एक बार डिटेल्स दे दीजिए। सर, ये TUV 2016 का मॉडल है, ये आपका 2016 में ये टॉप मॉडल था, अभी तो T10 निकला है, ये तो T8 है, ये 2016 का आपका टॉप मॉडल है, 7 सीटर गाड़ी है ये आपका।
85,000 ये गाड़ी चल चुका है अब तक। सर्विस रिकॉर्ड? सर्विस रिकॉर्ड अवेलेबल है, गाड़ी कम्प्लीटली जेन्युइन कंडीशन में है, पिन आपका ओरिजिनल है। फिलहाल की गाड़ी अभी रेडी नहीं हुआ है, हम लोग रेडी करवा रहे हैं। और इसका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो कंपनी से ले सकते हैं? कंपनी से सर्विस रिकॉर्ड ले सकते हैं। और ये आपका गाड़ी में आपका पावर विंडोज है और एयरबैग है, आपका ABS भी है। ओके, और इसका डिमांड? इसका हम लोग आस्किंग प्राइस है, इसका 6,80,000 रुपये, 6.80 लाख इसका जो आस्किंग प्राइस है, जो ऑन टेबल नेगोशिएबल प्राइस है आपका। ओके, अगर आप लोग आएंगे तो ज़रूर वो नेगोशिएट कर देंगे, कोई भी प्राइस फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है, ये ऑन टेबल आपका नेगोशिएबल प्राइस है। तो जो भी कस्टमर आएंगे तो गाड़ी चॉइस करके हम लोग बैठ के बात करेंगे और ये प्राइस आपका नेगोशिएबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गाड़ी एक देख लेते हैं। अभी ये जो चेवरोलेट का बीट है, इसका मुझे थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए। किसी का अगर मतलब लो बजट है जी, वो अगर बाइक की बजाय कार खरीदना चाहता है, हाँ, उसका अगर आप सपना पूरा कर सके जी, तो उसका एक बार डिटेल्स दे दीजिए। ये आपका 2013 का मॉडल है, गाड़ी अब तक आपका 70,000 प्लस गाड़ी चल चुकी है। इसमें आपका 4 पावर विंडो है, डीजल में है ये गाड़ी। इसका माइलेज भी आपका अच्छा निकल के आता है, एवरेज आपका 20 के ऊपर ही रहता है इसका। और इसका आस्किंग प्राइस इसका है 1,35,000 रुपये, ऑन टेबल नेगोशिएबल प्राइस है ये भी। ओके, कोई भी अगर आएगा, और बाकी इसका कंडीशन तो मतलब रनिंग है गाड़ी? हाँ, गाड़ी रनिंग कंडीशन में है और इंजन सील इंजन है। और पेंट थोड़ा आपका बंपर में थोड़ा टच पेंट हुआ है, थोड़ा बहुत टच पेंट हुआ है, बाकी गाड़ी ओरिजिनल शेप में ही है, एक्सीडेंटल नहीं है, कम्प्लीटली जेन्युइन है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी और भी गाड़ियाँ हैं, लेकिन सब गाड़ियों के बारे में अगर बोलना चाहूँगा तो बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग आइए हमारे डीलर में, मून मोटर्स में। ये आपका ढिंग रोड में है, ड्यू केयर हॉस्पिटल के सामने, नौगांव। तो आप लोग यहाँ पे आइए, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लो बजट में भी है और थोड़ा हाई प्रोफाइल गाड़ियाँ भी हैं, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग आइए, देख लीजिए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, गाड़ी पसंद कीजिए। मोटर्स के जो ओनर है वो बैठे हैं, मैं उनसे थोड़ा सा डिटेल्स आप लोगों के लिए ले लेता हूँ। अच्छा, मुझे आप बताइए, कोई अगर यहाँ से कार परचेस करता है तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप ही करके देंगे ना वो धक्के खा के घूमना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वो जो अगर हमसे कोई गाड़ी खरीदेंगे तो एवरीथिंग डॉक्यूमेंट जो होता है वो क्लियर हम लोग करके देंगे। ट्रांसफर वगैरह जो होता है, जैसे कि RCU ट्रांसफर, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, जो जो डॉक्यूमेंट गाड़ी में चाहिए होता है तो कंप्लीट हमारा तरफ से करके देंगे। अच्छा, मान लीजिए किसी का कोई अपना मैकेनिक है, वो लाके चेक करना चाहता है गाड़ी को, चेक कर सकता है? डेफिनेटली, कोई भी मैकेनिक लाके आप लोग चेक करके देख सकता है। ओके गाइज, आप अपनी तरफ से जो गाड़ी का कंडीशन है अगर चेक करना चाहते हैं तो ज़रूर आपका कोई जान पहचान में कोई है उनको लाके गाड़ी दिखा सकते हैं और उनसे एक बार कन्फर्म कर सकते हैं कि गाड़ी कैसा है, क्योंकि आपका भी पैसा लगेगा और ऐसा ना हो कि बाद में उनको भी आप बुरा माने, तो आप पहले एक बार चेक करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनको। और एक तो चीज़ है, हाँ, जैसे कि आप लोग अगर कोई अगर मैकेनिक ला भी नहीं सकता है तो हम लोग क्या करता है कि पर गाड़ी में हम लोग वारंटी दे देता है, जैसे कि 1 मंथ का, 1 महीना का वारंटी हम लोग दे देता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम 1 महीना के अंदर कोई भी प्रॉब्लम इंजन का कोई भी डिफेक्ट अगर दिखा रहा है तो वो कंप्लीट हमारा तरफ से कर देंगे हम लोग, कस्टमर को 1 रुपया भी खर्चा करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, और जो गाड़ी हमने देखी उस पर तो असम के लोगों के लिए लोन हो जाएगा? लोन हो जाएगा, मतलब असम में कहीं भी हो लोन हो जाएगा। ओके, और उसका उन्होंने मुझे बताया 35% तक देने से लोन हो जाता है? हाँ डेफिनेटली, गाड़ी का हिसाब से होता है, मॉडल का हिसाब से होता है, डाउन पेमेंट भी हो जाएगा 30%, 40%, गाड़ी का मॉडल मॉडल के हिसाब से हो सकता है। और गाड़ी का जो सर्विस रिकॉर्ड है वो भी आप अगर अवेलेबल है तो दिखा देंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो सर्विस रिकॉर्ड वगैरह जो है वो सर्विस का बुक होता है उसमें रिकॉर्ड वगैरह सब एंट्री किया हुआ होता है, वो सब मिल जाएगा। दोस्तों, इनका एक फेसबुक पेज है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और जो नंबर अभी वीडियो में डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके इनका पूरा जो गाड़ी का स्टॉक है उसका डिटेल्स ले सकते हैं। कभी कभी ये लोग बहुत बिजी रहते हैं, फिजिकल कस्टमर आते हैं उनको भी हैंडल करना पड़ता है, अगर फ़ोन आपका रिसीव भी नहीं कर सकता है तो इसका जो गूगल मैप का लोकेशन है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसी पे क्लिक करके जो लोकेशन है निकाल के आप यहाँ पर आके इनसे बात करके गाड़ी का डील क्लोज कर सकते हैं। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।